सर ऐसा है कि एक तो बहुत बड़ी मेहरबानी मिनिस्टर साहब का कि आम लोगों के लिए ऐसा एक ब्रीफ इवेंट मैनेज करवाया कि हम लोग आप लोगों से सवालात पूछ सके और अपनी जो इंकशाफात है वो दूर कर सके। एक तो ये आप काइंडली मुझे हमें बता दें कि अभी तो ये बात डिबेटेबल है ही नहीं कि ये ट्रफ होगा या नहीं, क्योंकि ख़राब हो चुका है। दूसरी बात ये है कि इसमें टाइम कितना लगेगा इसको कम्प्लीट होने में। तीसरी बात ये कि हमारे कल्चर में ऐसा है कि ग्राउंड अगर कोई और वज़ीर बनाता है तो अगले जो अगला जो मिनिस्टर आता है दूसरे इलेक्शन के बाद तो वो उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल छेड़छाड़ करता ही नहीं है। तो ऐसा ना हो कि इसमें भी 1.5 साल लगे, अल्लाह करे खालिक साहब फिर आ जाए एज ए मिनिस्टर, 1.5 साल लगे और खालिक साहब ना हो तो अगला मिनिस्टर जो आए इसको छेड़छाड़ ही ना करे और ये बीच का ऐसा ही धरक धरे रह जाए। ऐसा ग्राउंड जो हमारा आकी का था नीचे, वहाँ पे लड़के मट्टी में खेलते थे लेकिन आबाद था ग्राउंड। ऐसा ना हो कि ये भी हम लोगों से ऐसा बंद हो जाए, सारे प्लेयर ऐसे ही रह जाए बीच में। मेरे पास जो कागज आया हुआ है, जो ऑर्डर या जिसको वर्क ऑर्डर कहते हैं, उसमें 1 साल का टाइम लगा हुआ, मगर मेरे पास जो जबानी ऑर्डर आया हुआ है वो आया हुआ है कि इसको 1 साल नहीं, इसको 1 साल से 3-4-5 महीने पहले 6-7-8 महीने में आपने कंप्लीट करके देना। उस पे फिर बातें हमारी ये हुई है कि टर्म जो है वो उसको तो कंप्लीट करो कि लड़के तो खेलना शुरू कर दे, बाकी देखा जाएगा फिर बाहर वाले जो काम है वो होते रहेंगे, मगर जो टर्फ है उसकी कंप्लीशन आपने मिनिमम टाइम में देंगे। टर्फ का जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम हमें जो मिल रहा होता है वो 30 से 40 दिन होता है नॉर्मल हालात। इस वक्त दुनिया में मतलब खतरनाक किस्म के लॉकडाउन चल रहे हैं और उसमें उन्होंने हमें सॉरी किया है और वो सारी टाइमिंग डबल पे चली गई। अगर 30-40 दिन में होता था वो डर तैयार, वो अभी 70-80 दिनों में हमें दे रहे हैं और उन पे प्रेशर भी हैं वगैरह वगैरह, वो तो खैर हम उनके साथ लगे हुए हैं, हमें बहुत टॉप प्रायोरिटी पे उन्होंने रखा हुआ है क्योंकि उनके साथ मेरे इसके अलावा फिर बाकी 3-4 के डर हैं, तो उस वजह से हमें थोड़ा टॉप प्रायोरिटी दी हुई है। तो इंशाल्लाह वो आपकी जो डर है वो 4 महीने में कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये रोल्स आपको नजर आ रहे हों जब हमारी बेस उस वक्त तक तैयार हो चुकी होगी। अगर वो पहले भी आ जाए तो ये बेस भी हमारा 4 महीने का टाइम लेता है क्योंकि इसमें भी ये हम पहले लेयर पे अभी जो हमने क्या पहले लेयर पे फिर दूसरी लेयर का जो अभी आपको ये बेस कोर्स नजर आ रहा है, उसके बाद फिर वाटर बॉन्ड आपको मतलब जो होता है बजरी या स्टोन वो उसके ऊपर कंपैक्शन होगा, उसके ऊपर फिर एक आखिरी लेयर आएगी वेयरिंग कोर्स स्पॉट वाली, उसके बाद फिर हम आएंगे फिर टर्फ बिछेगी फिर उसकी सैंड ये वो। तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम फ्रेम टाइम वाला चैन क्योंकि ऐसा हुआ है सर, हम लोग मट्टी में खेलना पसंद करते हैं लेकिन जगह हो एटलीस्ट 1 साल से तो ज्यादा उस पर काम नहीं लगेगा, मगर हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता है خدا کرے ورنہ یہ فون بھائی صاحب